Reaching the China? Something. Other countries? No. Only China. How are you? I am Sivara. Punjab na kibhe bhalo achi. महाराज जी, गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति, क्या ये कोई अलग चीज बोल सकते हैं इसको हम? इसको अलग से होती है? मुझे गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों एक है कि अलग है? मतलब गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों एक है या अलग है? हरि और कृष्ण अलग अलग हैं या एक है? एक ही है? तो फिर एक ही होना चाहिए। भक्ति कहा जा सकता है, कृष्ण भक्ति कहा जा सकता है। चित्त को जो हरण करते हैं वो हरि है,
समस्त जो उनको एक बार देख लेता है वो भूल नहीं पाता। गुरुजी की तरफ प्रेम और श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए? सेवा के द्वारा, गुरु की सेवा कैसे होती है? बोलिए आपके तरफ श्रद्धा कैसे बढ़े और आपके प्रति श्रद्धा प्रेम कैसे बढ़े? ये तो तुम बूझो। किसी महिला से प्रेम करते हो, अपनी स्त्री से तुम प्यार करते हो, तो उस समय आपका क्या कर्तव्य है? आपका जो कुछ है सर्वस्व उसको दे दे, तब तो उचित दे, इससे तो होगा नहीं। किस तरह के शिष्य बने जिससे आप प्रसन्न हो? मतलब आइडियली एक शिष्य को कहता चाहते हैं आप, किस तरह के लेना चाहते हैं? मेरा किताब पढ़ा आपने, वो कौन सा गुरु है? वहाँ गुरु सेवा पंखा देने से मच्छियाँ यहाँ की नहीं दौड़। पीछे आइए, पीछे पीछे आइए, विष्णु महाराज के पीछे जाइए। बिल्व मंगल जी थे, उनको कर्षण है चिंतामणि, चिंतामणि नाम के एक वेश्या से प्रेम हो गया। तो रात में चुपके चुपके साधक की जो चीजें हैं वो सब उसको पहुंचा, अपने घर का भंडार खाली कर दिया और जो कुछ था उसके घर में पहुंचा दिया। चिंतामणि भक्त थी, उसने कहा जैसे तुमने तो हमको सब कुछ दे दिया, अपना कुछ नहीं रखा, ऐसे ही तुम कृष्ण को दे सकते हो, बस उनका चित्त बदल। साधन अवस्था में वेश्याएं धन चाहती हैं, जब तक धन दो तब तक ठीक है, और फिर पैसा नहीं मिलने से घर से बाहर। ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये पैसे का प्रेम है तो गोपियों का ही। साधन अवस्था और सिद्ध अवस्था में गुरु के साथ संबंध नित्य रहेगा, तो नित्य संबंध में हम साध्य अवस्था में कैसे देखेंगे गुरु को? कृष्ण के साथ संबंध नित्य है, ऐसे गुरु जी के साथ संबंध साधन अवस्था में और सिद्ध अवस्था में नित्य है। उसी को तो बाहर करना है, तो नित्य प्रेम निष्ठ सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय श्रवणादि सिद्ध चित्ते करय उदय। वो साध्य नहीं है, उसको केवल प्रकट करना है साधन के द्वारा। उनका प्रश्न है जैसे हम साधन में आपको दे, सिद्ध में गुरु जी किस तरफ किस रूप में देखें? कोई सी अपने हृदय में है, प्रकट नहीं हो रही, उसको प्रकट करना है। पहले प्रेम, साधन प्रेम, भाव प्रेम और अंत में शुद्ध प्रेम। तो ये भाव प्रेम का लक्षण है। क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व
विशेष आत्मा प्रेम सूर्य साम्य भाव रुचि विशेष नहीं साधन भाव कृति साध्य भवे साधना साधना विधान नित्य सिद्ध কিসের সংজ্ঞা সাধনের সংজ্ঞা কি ভাবের সংজ্ঞা যাচ্ছেন আপনি জোর সব কিসের তো বলছেন ভাব কিংবা সাধন কিসের সংজ্ঞা বলতে যাচ্ছেন কি বলতে ভাব না সাধন কি বলতে যাচ্ছেন আপনি ভাব অবস্থা কাকে বল ভাব মে কে হতা শান্তির ব্যাপার শান্তির সাধন কো वो साध्य तो है नहीं प्रेम हृदय में ही है जब आदमी साधन करते करते हृदय में जो प्रेम है उसको प्रकट करता है तब इसको कहते हैं भावावस्था साधन हुआ तो प्रीति शब्द भव्य शब्द से साधना विधा नित्य सिद्ध से भाव से प्रकटन की साधता साधन तो रूप ने रूप गोस्वामी ने सभी अवस्थाओं का वर्णन जिसकी मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता गुरु सिद्ध अवस्था का स्वरूप और साधन अवस्था का स्वरूप लिखते हैं मुझे गुरु जी का साधन का स्वरूप और सिद्ध स्वरूप दोनों ही लिखते हैं गुरु जी का साधन का स्वरूप और सिद्ध का स्वरूप दोनों नित्य है गुरु जी का साधन के समय गुरु का स्वरूप देख रहे हैं और सिद्ध में देखेंगे दोनों नित्य है मेरी समझ में नहीं है मेरी समझ ही में नहीं गुरु जी का साधन में जो स्वरूप दर्शन कर रहे हैं और सिद्ध में जो गुरु जी का स्वरूप है दोनों नित्य है कि नहीं है भाई स्तर की बात है जो लोग कृष्ण को भी स्मरण करते हैं और साथ साथ में जिस ब्रज के भक्त के प्रति हमारा लोभ है उसका भी स्मरण करते हैं यदि गुरु जी ऐसे हैं तो ठीक है और यदि गुरु जी इस स्तर में नहीं आए हैं तो गुरु जी में अभी कमी है उस स्तर में आना चाहिए आज एकदम आप चुप है मैंने कहा आज भगवान कहते हैं कि मैं अद्वय हूं अद्वय होने पर भी मैं सदा चार रूपों में रहता हूं ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंगन तो नीचे आपने लिखा हुआ है कि रहस्य में जीव को लिया गया कि जीव मेरा रहस्य है ये थोड़ा सा आप बताओ कि जीव को किस प्रकार से भगवान अपना रहस्य कह रहे हैं भगवान भगवान अद्वय है अद्वय होते हुए भी अद्वय ज्ञान पर तत्व है अद्वय ज्ञान पर तत्व होते हुए भी ज्ञान विज्ञान रहस्य तदंग ज्ञानम में परमम गुह्यम यद विज्ञानम समन्वित श्लोक में जीव को रहस्य बताया है बोलिए रहस्य किस प्रकार प्रेमा भक्ति को रहस्य बदला जीव को नहीं ये कह रहे जीव को रहस्य लिखा हुआ है नहीं समझने में भूल है प्रेमा भक्ति रहस्य साधन भक्ति प्रकट है अच्छी तरह से पढ़ेंगे या दूसरी चीज हो कोई बात नहीं दोबारा बोलूंगा गुरु जी से दीक्षा ले ली और गुरु जी ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा शिष्य है
प्रश्न बताने दीजिए। गुरु जी से दीक्षा लेकर के गुरु जी का शिष्य बन गए और गुरु जी ने उसको शिष्य बना लिया, लेकिन शिष्य बनने पर भी भजन के लिए प्रयत्न में इंटरेस्ट नहीं है या प्रयत्न नहीं कर रहे। सब साधकों का स्तर एक नहीं है। जो अभी एकदम नए हैं उनको अभी नाम में भी रुचि नहीं, भक्ति में भी रुचि नहीं है। ठाकुर जी को घर में रख रखा है, राधा कृष्ण की उसी विग्रह, उसी को सर्वस्व मान करके पूजा करते हैं, इसलिए उनको कनिष्ठ कहा गया। अभी समझते नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। जब तत्व ज्ञान आने लग जाएगा तब कुछ मध्यम अधिकार में आएगा, उससे भी आगे बढ़ेगा तो उत्तम है। गुरु जी क्या सबको एक समान ही प्रेम करते हैं? सूरज की किरणें एक समान है, किंतु जो घर में बैठा हुआ सूरज की किरण को अपने पास में अंधकार में बुला रहा है वो एक है। घर के अंधकार में सूरज की रोशनी जाएगी कि नहीं? फिर भी सूरज समदर्शी है, भगवान उससे भी कोटि गुना श्रेष्ठ है। वो उनसे भी अधिक समदर्शी है। वो तो ऐसे समदर्शी है जो अपनी समदर्शिता को छोड़कर भक्तों के पक्षपाती हो गए। उनको किसी से न लेना है न देना है। जो जितना भजन करेगा उतना ही उसके समीप रहेंगे। जो भजन नहीं करेगा उससे दूर है। उनका प्रश्न था क्या गुरु जी सबको सब शिष्य को समान स्नेह करते हैं, ये प्रश्न था उनका। क्या गुरु जी सब शिष्य को समान स्नेह करते हैं, ये उनका प्रश्न था, भगवान के बारे में प्रश्न नहीं था। सबको समान करते हैं, समदर्शी हैं, किंतु जो दिन रात सर्वस्व दे करके उनकी सेवा करते हैं वो कैसे बराबरी हो सकता है? कृष्ण को जो वैसे भजन करता है, कृष्ण उसके प्रति समदर्शी कैसे रह सकते हैं? भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, जानते हैं कभी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, हरि से अस्त्र कहाऊं तब शांतनु पुत्र कहाऊं, तोड़ दिया। किंतु वो भीष्म पितामह जी कौन भक्त है? इसलिए ये सब चीजें भक्ति विचारणीय, विचार करके भक्ति करोगे समझोगे, विचार नहीं करोगे विचारण पर्याप्त भक्ति विमोचन नरे। विचार पूर्वक भक्ति को देखना चाहिए, विचार नहीं करोगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है, विचारण परा है,
क्या धर्म प्रच्छेद कई तो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेदम वास्तमत्र वस्तु शिवदम तपोत्रोन्मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परईश्वर श्रद्धा हृदय विरुद्ध ते पृथ्वी सुश्रुषवी तत्ना श्रीमद भागवत का दूसरा श्लोक है। मेरा प्रश्न ये था कि भगवत भक्ति के प्रचार की योग्यता क्या है? भगवत भक्ति के प्रचार की योग्यता क्या है? भक्ति प्रचार की योग्यता क्या है? कोई प्रचार करना चाहते हैं योग्यता क्या होना चाहिए? कुछ शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। बिना शास्त्र ज्ञान के जो प्रचार करते हैं उनका कर्म है, वो कुछ नहीं, इधर उधर की बातें हरि नाम करो बस। कोई प्रचार नहीं कर सकता। Gurudev, Krishna Bhakti comes can come in my heart only from heart pure devotee who has already it. Is it process? Bolche Krishna Bhakti keval karo hridaye buddha bhaktir madhyame asbe? Only process. Krishna Bhakti karo hridaye kisi ke hridaye mein Krishna Bhakti kisi shuddha bhakt ke madhyam se aata hai, yahi process hai ki aur koi process hai? यही है। This is the process. And in case Guru Bhakti, is it comes from heart those who has already it or no? Or it can come by mercy of Guru? तो जो गुरु भक्ति या जिन लोगों के अंदर गुरु भक्ति है उनके माध्यम से आएगा या गुरु जी की सेवा करने से तब आएगा? जिनको गुरु भक्ति है वही देश। गुरु भक्ति नहीं है वो भक्ति का क्या जाता? He does not know anything about भक्ति। If he knows कृष्ण तत्व, my गुरुदेव, and who has so much solid प्रेम in गुरु, then he can. साइड से Thank you.
Thank you.